अक्षर पटेल के बल्ले से आती हुई। ये इस ओवर की आप देखेंगे तो दूसरी बाउंड्री शानदार छक्का लगाते नजर आए लॉन्ग ऑन की साइड पर। हालांकि फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए। और अभी भी आप देखेंगे तो भारतीय टीम को फिलहाल जीत के लिए 8 गेंदों में 23 रन बनाने हैं। महेश थिक्सिना ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर विकेट से पटकी हुई गेंद बैक फुट पे आते गेंद को पंच किया है। एक और बार गेंद चली जाएगी पीछे के इलाके में चौके के लिए। हल्के बल्ले से गेंद को लेट कट किया और एक और बार सीमा रेखा पार जाती हुई गेंद चौके के लिए। 8 गेंदों में 20 रन जड़ चुके हैं और इस ओवर को देखते हुए यकीनन भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 7 गेंदे 19 रन। एक और बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं। ओवर की अगली गेंद महेश दीक्षिणा लेकर दौड़ेंगे, पटकी हुई गेंद पीछे की साइड से होके जाती हुई। इस बार एम्पायर यहां पर वाइड का इशारा कर देंगे और ये अतिरिक्त रन भारतीय टीम की पारी में जोड़ता हुआ। हल्के इंजर्ड हो चुके हैं महेश दीक्षिणा। वही नॉन स्ट्राइक रेट पर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव खड़े हैं 48 गेंदे 97 रन, 3 रन दूर खड़े हैं अपने शतक से। फिलहाल हल्के इंजर्ड हुए हैं महेश दीक्षिणा, हालांकि फिजियो मैदान में नहीं आए हैं और फिर से अपने गेंदबाजी लाइनअप पर जाते हुए ओवर की अंतिम गेंद लेकर दौड़ेंगे। 17 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए इस बार एम्पायर को क्या क्रॉस बैक फुट पे आते हुए अक्षर पटेल ने सीधे बल्ले से गेंद को हवा में उठा दिया है। हालांकि गेंद के नीचे फील्डर और अक्षर पटेल अपने विकेट की कुर्बानी देते हुए वही रवैया उसी सौर पर भेजा था गेंद को, लेकिन इस बार फील्डर गलती करेंगे नहीं और ये बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय टीम को इस ओवर की अंतिम गेंद पर। महेश थिक्सिना ने जाते जाते जो बड़ी सफलता जो है वो दिला दी है। अक्षर पटेल 9 गेंदों में 20 रन बना के खेल रहे थे और फिलहाल आउट होकर पवेलियन जाते हुए नए बल्लेबाज, हालांकि अब गेंदबाजों का मैदान में आना होगा और ऐसे में हम देख पा रहे हैं तो कुलदीप यादव आगे आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह अभी तक बचे हुए हैं, मोहम्मद सिराज बचे हुए हैं, लेकिन कुलदीप यादव उनसे आगे भेजे गए हैं। हालांकि ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक भी रोटेट हो जाएगी। अगले ओवर में पति राणा गेंदबाजी, पहली गेंद सामना करेंगे सूर्य कुमार यादव, 3 रन दूर है अपने शतक से। पति राणा राइट आर्म ओवर विकेट से अगली गेंद इस बार बैक फुट पे आते हुए गेंद को पंच किया है। 1 रन दौड़े दूसरे के लिए भाग चुके हैं और 2 रन यहाँ पर तेजी से पूरे करेंगे बल्लेबाज। हालांकि रनआउट चेक जरूर होगा, खतरे में सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं। सीधा ही डायरेक्ट हिट लग गई थी। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन साथियों लाइक की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है। आप तमाम दर्शक लाइक भी कीजिएगा और तमाम साथी हमें पूछ रहे हैं कि ये मुकाबला कौन सा मुकाबला है। जी ये 2023 का महामुकाबला था, दोनों ही टीमों के बीच में खेला गया था, जिसकी हाईलाइट वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल सूर्य कुमार यादव नॉट आउट बने रहेंगे। 5 गेंदे 16 रन, पहली गेंद पर 2 रन आए हैं, 1 रन दूर खड़े हैं अपने शतक से। पति राणा लेकर दौड़ेंगे ओवर की दूसरी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद बैक फुट पे, गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया। ये गेंद काफ़ी ऊपर है, सूर्य कुमार यादव की तकरीबन हाइट, जो कमर की हाइट है उससे भी ऊपर नजर आई है और ऐसे में नो बॉल चेक होगी। नो बॉल आती है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम को और भी आसानी हो सकती है। नो बॉल, जी हाँ नो बॉल ही आती नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव की कमर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नो बॉल करार दी गई है अगली गेंद को। पति राणा फुल टॉस दे मारे और उसी के कारण एक और नो बॉल का अतिरिक्त रन भारतीय टीम के पारी में जुड़ता हुआ। 1 रन दूर खड़े हैं अपने शतक से, फ्री हिट की गेंद डालेंगे पति राणा। फिलहाल 2023 का महामुकाबला है, आप तमाम दर्शकों को बता दे तो, जहां पर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई थी और उसी का ये आखिरी T20 मुकाबला है। हालांकि आने वाले मुकाबलों की भी लाइव कमेंट्री हम आपके साथ जारी रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मित्र। पति राणा ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर दौड़ेंगे, फ्री हिट गेंद सुपर। सूर्य कुमार यादव ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के
इलाके में तंगा दिया है और गेंद जा गिरेगी दर्शकों में। एक और शानदार चक्का चोर कुमार यादव के बल्ले से निकलता हुआ, ये सातवां सिक्स है और शतक भी उसी बीच पूरा कर जाएंगे अपना। 50 गेंदों में 105 रन आप देखेंगे। तो इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपना दबदबा कायम कर चुकी है। यहाँ से जीत के लिए 4 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत है। पतिराना लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की तीसरी गेंद, ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ते हुए इस बार सूर्य कुमार यादव ने गेंद को लेट कट करते हुए पीछे की साइड भेज दिया है। फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद तक पहुँच नहीं पाएंगे और ये मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में आ गिरा है। अभी भी 3 गेंदें बची है, 5 रन बनाने हैं। हालांकि डाइव लगा के हल्की गेंद को अंदर धकेलने में सक्षम हुए हैं नहीं हुए हैं अभी भी एम्पायर चेक करते हुए। तो 3 गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत है और हम देख पा रहे हैं तो गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के पार। ऐसे में चौका जुड़ेगा सूर्य कुमार यादव की पारी में। पतिराना लेकर दौड़ेंगे अपने ओवर की चौथी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार पटकी हुई गेंद बैक फुट पे, गेंद को सीधे बल्ले से खेला है। हालांकि गेंद सीधा ही जाएगी पतिराना के दस्तानों में, भागने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। ये अच्छी गेंद है पतिराना की। अभी भी भारतीय टीम स्ट्रगल करती नजर आ सकती है, अगर अगली गेंद पर एक चक्का जड़ते हैं तो फिर भारतीय टीम अपने मुकाबले को, इस मुकाबले को अपने नाम कर देगी। लेकिन डॉट गेंद खेलती है तो फिर दबाव बन सकता है टीम इंडिया पर। पतिराना अपने ओवर की चौथी, माफ कीजिएगा, पांचवी गेंद लेकर दौड़ते हुए सूर्य कुमार यादव ने तेजी के साथ हवा में उठा दिया है और गेंद काफ़ी ऊंची गई है। हालांकि फील्डर नीचे मौजूद है नहीं, 2 रन तेज से पूरे करेंगे और तीसरा रन भी भाग चुके हैं। तो 3 रन भाग कर पूरे कर लिए है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब यहाँ से जीत के लिए 1 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। फील्डिंग बदली जा रही है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक एक फील्डर मौजूद है। हमारे साथ सुनील गोवेस्कर जी भाई जुड़े हुए हैं, बोल रहे शानदार कमेंट्री, थैंक यू सुनील भाई। वही राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं और रूपम यादव जी जुड़े हुए हैं। तमाम दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम लाइव चैट में लिखते जाइएगा ताकि हम आप तमाम दर्शकों का नाम भी यहाँ पर लाइव चैट में दोहराते रहे। पतिराना अपने ओवर की अंतिम गेंद, 1 गेंद में 2 रन चाहिए। ओवर की अगली गेंद इस बार बैकफुट पे आते हुए गेंद को जाने दिया है और एम्पायर का इशारा वाइड का, मुकाबला स्क्रॉल होता हुआ। अभी भी ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। अगर ओवर की अंतिम गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज 1 रन भी लेते हैं तो भी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी और अगर विकेट निकालते हैं पतिराना यहाँ से तो फिर मुकाबला सुपर ओवर में जाता नजर आ सकता है। देखना होगा, फील्डिंग बदली जा रही है लगातार। 30 गज दायरे के अंदर फील्डरों को बुला दिया गया है। पतिराना लेकर तैयार ओवर की अंतिम गेंद, गलती करना चाहेंगे नहीं। ओवर की अंतिम गेंद को एक बार फिर से हवा में उठा के खेला है और गेंद काफ़ी ऊंची गई है। फील्डर नीचे मौजूद है नहीं और गेंद चली जाएगी। हम देख पा रहे हैं तो फील्डर जब तक आकर गेंद को थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाज 2 रन पूरे करेंगे। भारतीय टीम मुकाबला जीतती हुई। तो कुछ इस अंदाज में 2023 की ये T20 सीरीज थी दोनों ही टीमों के बीच में, जहां पर वो सीरीज भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम की थी। हाई स्कोरर सूर्य कुमार यादव नजर आए थे, वही हाई विकेट टेकर युजवेंद्र चहल नजर आए थे।